वेल तो गाइस कैसे आप सभी लोग। भाई साहब कलवे यार क्या पानी की आवाजें आती रहती है यार, ये भाई साहब बंद करवा दे क्या इसको? अबे नहीं यार, इसका तो गाइस यहाँ पर मतलब बहुत ही बड़ा यहाँ पर रीजन है यहाँ पर होने का। आप सभी लोग सोचो यार, इतना बढ़िया हमारे पास यहाँ स्विमिंग पूल है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई साहब ये मेरे नहाने के लिए है बे, कभी कभी सुसु भी कर देता हूँ इसमें। अबे भाई साहब गाइज यहाँ पर ये पूरा गंद फैला कर रखता है चोप इसमें, बट गाइज इसमें पूरा नया नया पानी आता रहता है। वैसे गाइज यहाँ पर घर की मतलब अगर हम सब लोग खूबसूरती की बात करें तो उसमें बहुत ही मेजर रोल है इसका। अरे यार गाइज और बताओ यार कैसा है यार, कैसा चल रहा है, छुट्टियाँ वुट्टियाँ यार पड़ गई क्या? अबे कौन सी छुट्टियाँ हो, छुट्टियाँ होती रहेंगी क्या भाई साहब? कल यार ठंड की छुट्टियाँ नहीं होती क्या स्कूल में? अबे हाँ यार गाइस ठंड की छुट्टियाँ तो होती हैं, वैसे दिसंबर में होती है क्या वो? अरे दिसंबर ही चल रहा है, मेरे को लगता है बहुत लोगों को छुट्टियाँ हो भी गई होंगी। पता नहीं यार गाइस, यहाँ पर आप बताओ यार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं या फिर आप सभी लोग यहाँ पर स्कूल जा रहे हो। भाई साहब कलवे यार छुट्टियां होती थी वे इस टाइम पे, जब मैं भाई साहब स्कूल में हुआ करता था तो भाई साहब छुट्टियां हुआ करती थी कलवे। अब तो हम भाई साहब कॉलेज में डिग्री लेने पड़ गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अपनी बोलती बंद रखा कर ठीक है ना, तेरे से किसी ने नहीं पूछा तू कॉलेज है या फिर कहाँ है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार क्या आपको पता है यार ठंड में सबसे बढ़िया कौन सी चीज होती है खाने के लिए? क्या होती है? अरे यार ठंड में मूंगफली खाने में बहुत मजा आता है, पर यार वही जब लोहड़ी आती है तो यार उसको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता यार। बिल्कुल यार, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा घर पे पड़ी हो ना तो उसको खाने का मन नहीं करता। बट ये हम क्या बकवास कर रहे हैं, बताओ आज क्या करने वाले हैं? भाई साहब मेरा मन तो आज धूप सेकने का है। अरे मैं भी सोच रहा हूँ यार आज बाहर गेड़ी लगा कर आऊँ भाई साहब, पर कुछ नया करने का मन हो रहा है मेरा तो। ओहो गाइस कैसे हो यारो, इतने दिनों के बाद माइकल की शक्ल देखने के लिए मिल रही है कि मेरे को भूल तो नहीं गए यार। वैसे कैसे भूलोगे मेरे को यार, मैं फ्रैंकलिन का इकलौता सबसे नजदीक वाला यहाँ पर दोस्त हूँ। चलो वैसे आज मैं आया हूँ ट्रेवर के घर, और हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ गाइस अभी। और वही ट्रेवर कैसा है? अरे यार माइकल क्या बात है यार, इतने दिनों के बाद अपने इस गरीब दोस्त को याद किया। अरे कभी आलू का परांठा कुछ पहुंचा ही दिया कर। अरे अरे आलू का परांठा क्या ट्रेवर, आज तो मैं खुद ही पहुंच गया यहाँ पे। अरे क्या पहुंच गया यार, यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं यार, सूखी मछलियाँ खाकर मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, और अब तू कहेगा चल पार्टी करने चलते हैं। अरे नहीं नहीं पागल, पार्टी थोड़ी करवाने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ आज। अरे तो तू क्या करने है ओए, तू तो मेरे घर हमेशा दो ही काम के लिए आता है, या तो कभी तेरा कोई पंगा वंगा पड़ जाता है, लड़ाई वड़ाई हो जाती है, या फिर तेरे को पक्का पार्टी करने में मतलब मेरा साथ चाहिए होता है। अबे यार आज दोनों में से कुछ भी नहीं है। अरे क्या बात है यार, आज तू मतलब ऐसे मिलने आ गया? अरे ये दोस्ती, अबे अबे ज्यादा मतलब वो दोस्ती वोस्ती वाले गाने मत गा। अच्छा ये बता ये पीछे क्या है? अरे यार इसको चलाकर तू क्या ही करेगा यार, ये नया लिया है मैंने। अरे यार वैसे है तो मस्त यार। अरे यार गाइस क्या मस्त चीज है वो तेरी की। अबे यार ट्रेवर इतना भी गरीब नहीं है बे तू, जितना मैं तेरे को गरीब समझता हूँ। अरे तेरे को क्या लगता है जो मैंने तूने और फ्रैंकलिन ने एक साथ में मिलकर पैसे लूटे हैं, बैंक लूटे हैं, वो ऐसे बेकार में थोड़ी ही लूटे थे। सारा पैसा पड़ा है, वो तो मैं खर्च नहीं करता, मुझे गरीब दिखाने की आदत है। अच्छा तो तू अपने आप को गरीब दिखाता है हमेशा, लेकिन है तेरे पास पैसा ना। अरे वो मुद्दे की बात नहीं है यार, तू ये बता तू क्यों आया आज? मेरे को तेरे में से बहुत ही ज्यादा जलन की बदबू आ रही है। अरे तू भी मेरी तरक्की से जल गया ना। अबे ऐसा कुछ नहीं है यार, तू कितना ज्यादा सोचता है। अच्छा बात सुन मेरी। हाँ हाँ बोल बोल। अरे तेरे को वो तो पता ही अपना फ्रैंकलिन। हाँ हाँ पता है, आजकल तो परिवार वाला हो गया है वो, जब देखो शिनचैन और चोप के साथ बैठा पता नहीं क्या खेलता रहता है यार। मैं तो तंग आ गया हूँ यार, जब वो दोनों नहीं हुआ करते थे तो याद है हम तीनों साथ में मिलकर पार्टीज करा करते थे यार। अब तो वो उन दोनों को यार संभालने में पूरा दिन लगा देता है। आजकल वो मतलब वो पूरा दिल खोल कर खर्चा करने वाली पार्टीज नहीं कर रहा, आजकल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया यार। अबे यार वो तो बात है यार, क्योंकि अब उसके पास जिम्मेदारी है ना। वैसे वो शिनचैन और चोप को प्यार बहुत करता है, तेरे को पता ही है। अरे चल थोड़ा बहुत प्यार हमको भी कर ले यार, हम उसके पुराने दोस्त हैं यार, हमने उसका साथ दिया है लॉस सैंटोस में स्टार्टिंग से। अबे यार तू ये मत भूल कि फ्रैंकलिन ने हमारा कितना साथ दिया है। अरे यार उसका बेचारे का एहसान कैसे भूल सकता हूँ यार मैं। आज तक उसने मेरी इतनी मदद की है ना, इतनी ज़्यादा मदद कि मैं तो उसका एहसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका सकता। उसने मेरे को हमेशा हर जगह पे सपोर्ट किया है, कभी कभी तो बेचारा 1500-2000 डॉलर भी भेज देता है मेरे बैंक अकाउंट में। अबे यार तेरे साथ तो इतना कुछ किया है, मेरी तो इतनी बार उसने जान बचाई है जान। तेरे को पता है एक दिन मेरे घर पे गुंडों का अटैक हुआ, उस वक्त उसने मुझे अपनी जान पे खेलकर उसने मुझे बचाया। तेरे को पता है यार, मेरे को मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी का दोस्त बनने के लायक हूँ, पर वो मेरे को अपना दिल से दोस्त मानता है यार। अबे अकेले तेरे को नहीं यार माइकल, वो हम दोनों को बहुत अच्छा दोस्त मानता है यार। अबे बिल्कुल यार, बड़ा ही बढ़िया बंदा है यार वो तो, इसीलिए आज मैं तेरे पास आया हूँ। अरे क्या तू वो क्या फ्रैंकलिन की ये बातें करने आया था? अरे यार चल, फ्रैंकलिन का एहसान तो है यार, उसका दिल इतना खुला है ना कि मैं तेरे को क्या बताऊँ। दोस्ती में पैसे खर्चने पे वो कुछ मतलब ही सोचता नहीं, जब देखो खुलेआम खर्चा करता है यार। अरे वही तो बात है यार, तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने सोचा कि इतनी बार फ्रैंकलिन ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारी इतनी सपोर्ट की है, अब हमारी बारी है ना बे। अरे हमारी बारी मतलब कैसे, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं यार? अबे वही 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 बात कर रहा हूँ मैं तेरे से। मैं तो कहता हूँ चल उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से कोई तोहफा दिया जाए। अरे तोहफा, कैसा तोहफा है? अरे यार तेरे को पता तो है उसको कितना ज्यादा मतलब शौक रहता है गाड़ियों का, बंगलों का, मेंशंस का, पर लेकिन वो बेचारा यार अपना वो सारे अरमान मार देता है और कभी भी अपना अपने लिए टाइम नहीं निकालता यार, अपने लिए वो कुछ नहीं करता। अरे तो क्या तू कह रहा है क्या हम उसके लिए कुछ करें? अबे बिल्कुल यार, उसको एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देते हैं अपनी तरफ से। अरे अरे पूरी प्लानिंग बता यार, तभी कुछ कर पाएंगे। मैं तो खुद चाहता हूँ फ्रैंकलिन को अपनी तरफ से कुछ देना यार, अब अगर तू मेरे साथ है तो साथ में मिलकर उसको खुश कर देते हैं। अबे बिल्कुल यार, तो गाइज आज हम देने वाले हैं फ्रैंकलिन को बहुत ही बड़ा सरप्राइज, जिसको देखकर आप भी दंग रह जाओगे। लेकिन यार एक दिक्कत आएगी सरप्राइज में। अरे क्या दिक्कत आएगी बता यार, दिक्कतों का सामना करना मेरे को अच्छे से आता है। अरे मेरी बात सुन, मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं चाहता हूँ हम फ्रैंकलिन के घर को पूरा का पूरा अपग्रेड कर उसके अंदर एक गैराज बनवा दें, जिसमें बहुत सारी सुपर कार्स खड़ी कर दें और मतलब पूरे घर को और बड़ा कर दें और बढ़िया बना दें, मतलब पूरा अपग्रेड मार दें उसके घर को। अरे यार इसमें तो बहुत पैसा लगेगा ना यार। अबे तो तेरे को पता तो है पैसे की कमी है क्या हमारे पास? अरे चल यार थोड़ा बहुत तो मैं भी मदद कर दूंगा पैसों के मामले में, बाकी तू बहुत अमीर है तेरे को पता ही है। अरे हाँ तू पैसों की फिक्र मत कर, तू बस मेरा साथ दे, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ एक ही दिन में सारा कंप्लीट करवा के उसको सरप्राइज किया जाए। अरे पर यार अगर तू उसके घर को मतलब अपग्रेड करने की सोच रहा है तो यार वो फ्रैंकलिन तो घर में रह रहा है यार, उसको पता लग जाएगा यार। अबे वही 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 दिक्कत आ रही है मेरे को यार, जल्दी सोच यार उसको थोड़े देर के लिए घर से बाहर कैसे रख सकते हैं। अरे यार वो थोड़ी ऐसे आ जाएगा बाहर, अगर उसको लेकर आना है तो शिनचैन चौप भी बाहर होने चाहिए। मतलब वो तीनों को क्या कोई मतलब वर्ल्ड टूर में भेज दें? अबे पागल हो गया क्या, वर्ल्ड टूर में भेज दें? कुछ अच्छी बात करना जो कर भी सकते हैं हम। अरे यार अरे हाँ एक आइडिया है मेरे पास। क्या 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 आइडिया तेरे पास? अरे ऐसा करते है ना, तू ऐसा कर, तू फ्रैंकलिन को फोन लगा और उसको फोन लगाकर बोल कि ट्रेवर की तबीयत बहुत खराब है, तो वो भागता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। अरे तो फिर वो यहाँ पर आकर जब देखेगा कि तू यहाँ पर है नहीं तो वो यहाँ से निकल जाएगा ना। अरे ये भी बात सही है यार। अरे यार ये भी तो हो सकता है, मैं उसको बोल देता हूँ कि मैं कुछ देर के लिए लॉस एंजेलिस से बाहर हूँ तो तू थोड़ा सा मेरे घर में आकर उसकी देखभाल कर ले फ्रैंकलिन। अबे वो बोलेगा कि ये तेरा छोटा सा जो घर है इसकी कोई देखभाल करने के लिए चाहिए भी। अरे यार तो तू ही बोल यार, क्या करें यार, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं आ रहा। अरे यार एक तरीका है मेरे पास, हम ऐसा करते हैं, मैं उसको बोल देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ शहर से बाहर कुछ दिनों के लिए, तो फ्रैंकलिन तू मेरी फैमिली का ध्यान रख लेना कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वहां पर जिमी भी होगा तो सबका ख्याल तू रख लेना। एक दिन तू वहां पर रह ले, एक दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, तो जब तक वो वहां पर मेरे घर में मेरी घर की रखवाली करेगा जब तक हम उसके घर को अपग्रेड कर डालेंगे। अरे ये आइडिया कुछ मस्त है, तेरा घर भी बहुत बड़ा है, वो आराम से तेरे घर में रह पाएगा। अरे बिल्कुल यार, मेरे घर में वो जब तक रहेगा जब तक हम उसका घर अपग्रेड कर डालेंगे। देखना यार कितना ज्यादा खतरनाक बना दूंगा मैं उसके घर को। अरे चल चल जल्दी से कॉल लगाकर बोलना फिर उसको। अरे चल चल मैं कॉल लगा रहा हूँ, तू बस चुप रहना। मैं उसको बोल देता हूँ एक बार कि फ्रैंकलिन ऐसा ऐसा सीन है, जल्दी से कर ले ऐसे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया किसका फोन है? अबे माइकल का फोन है। हेलो हाँ माइकल। अरे यार फ्रैंकलिन कैसा है मेरे भाई? अबे बढ़िया बढ़िया, तू बता इतने दिनों बाद कॉल किया यार। अरे हाँ हाँ यार वो बस तेरे को पता ही है कामों में टाइम नहीं लगता। अरे अच्छा यार मेरी बात सुन। हाँ बोल। अरे यार वो मैं एक दिन के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ शहर से, तो क्या तू एक दिन के लिए मेरे घर की रखवाली कर लेगा? तेरे घर की रखवाली करनी है? अरे हाँ यार वो तेरे को पता ही है जिमी कितना शरारती है, और वैसे भी मेरे घर में कोई मतलब मैंने गार्ड भी नहीं रखा हुआ जो कि मेरे घर की मतलब देखभाल कर लेगा, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा कि एक दिन के लिए तू मेरे घर रह ले। शिनचैन चौप को भी ले जाना, मतलब एक दिन के लिए मेरे घर की पूरी मतलब देखभाल कर लेना, उसमें बैठ जाना आराम से, खाना पीना। एक दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, बस मेरी फैमिली का ध्यान रखना है और तो कुछ नहीं। ओ अच्छा 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 तेरी फैमिली का ध्यान रखना है। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं यार, तेरी फैमिली हमारी फैमिली यार माइकल, मैं तेरी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा यार। तू बिंदास भाई साहब जिस काम के लिए जा रहा है जा, मैं कोई बात नहीं, मैं तेरे घर की देखभाल कर लूंगा एक दिन के लिए। कब आना है मैंने तेरे घर बता? अरे यार मैं तो कहता हूँ अभी आ जा, मैं बस निकलने वाला हूँ। मतलब नहीं नहीं मैं तो निकल गया। है निकल गया? अरे हाँ मैं तो बाहर भी आ गया गांव में, मेरे घर में अभी बस मेरी फैमिली है, तो बस तू उसका ध्यान रख। कल दोपहर तक मैं वापस आ जाऊंगा। ओह अच्छा अच्छा, चल कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तेरे घर चला जाता हूँ। अरे बल्ले बल्ले यार, एक दिन के लिए माइकल अंकल के घर रहूंगा यार, कितना बड़ा घर है यार, मजा आएगा। भाई साहब कल वे उसकी गाड़ी में गेड़ी लगाएंगे, बे पूछ पूछ उसकी गाड़ी यूज कर सकते हैं। अबे आराम से यूज कर लेंगे उसकी गाड़ी, वो कौन सा कुछ बोलेगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन, मेरी गैराज में गाड़ी खड़ी होगी, उसको भी यूज कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अरे चल कोई बात नहीं, ओके फिर तू ध्यान रख, मैं जा रहा हूँ शिनचैन और चॉप को लेकर तेरे घर, और हमारा घर चल एक दिन के लिए खाली। भाई साहब चल कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, तेरी फैमिली का ध्यान रखना जरूरी है, हम तीनों तेरे फैमिली के पास आ जाते हैं। अरे चल ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ चल ओके ओके बाय। गाइज यार यहाँ पर माइकल की तरफ से काम मिल चुका है, मतलब काम नहीं है, माइकल गाइज एक दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है, तो उसकी भाई साहब फैमिली पीछे अकेली है, तो हमको गाइस कुछ नहीं करना, माइकल के घर रहना एक दिन के लिए, तो रह लूंगा यार, फिर क्या होता है। अरे बिल्कुल यार बिल्कुल रह लेंगे यार, चलो जल्दी से बोरिया बिस्तरा पैक करो और निकलो यहाँ से यार, खटारा घर से। भाई साहब एक दिन के लिए अमीरों वाली फीलिंग आएगी मेरे को तो। अबे चल चल बे, हमें उसकी फैमिली का ध्यान रखना है, हमारे होते हुए उसकी फैमिली को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अबे वो बात तो ठीक है, हमारी गाड़ी कहाँ है। अरे यार गाइस एक गाड़ी गैराज में होगी। अरे यार फ्रैंकलिन भैया वहाँ पर यार सारा सामान तो मिल जाएगा ना। अबे सब कुछ मिलेगा बे, नहाने के लिए बाथरूम है, हगने के लिए टॉयलेट है, भाई साहब पूल भी मस्त वाला होगा, हाँ सब कुछ है, टेनिस कोर्ट भी है बे, वहाँ पर टेनिस भी खेल सकते हैं हम। अरे यार कितना बड़ा घर है यार माइकल अंकल का, मैं तो कभी भी यार उनके घर में मतलब इतनी ध्यान से मैंने उनका घर नहीं देखा, एक दिन के लिए उनका पूरा घर यार छान मारूंगा यार, कैसा है। भाई साहब अपना घर तो टट्टी है यार। अबे ओए अपने घर को कुछ नहीं बोलते बे, दूसरे की थाली हमेशा बड़ी बढ़िया लगती होती है। भाई साहब उसकी थाली नहीं, उसका पूरा घर है वो बेवकूफ। अबे चल जो भी है, मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे की चीज हमेशा अच्छी लगती है बे, अपना घर भी कौन सा बेकार है। अरे हाँ यार अपना घर इतना बेकार नहीं है यार, पर थोड़ा सा अगर और बढ़िया होता ना, थोड़ा सा बड़ा होता तो ज्यादा मजा आता। अबे कोई नहीं यार, हमारा घर भी ओपी है गाइस यार, स्मार्ट है भाई साहब, हमारा घर बहुत ज्यादा देखने में अच्छा लगता है लॉस एंटोस में। हाँ वो बात अलग है, बहुत सालों से मैंने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करवाए हैं, बिल्कुल सेम सेम हुआ पड़ा है, तभी गाइस थोड़ा सा बोर होता हूँ, पर घर मस्त है यार, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई साहब चलो यार गाइस फिर वीडियो को लाइक कर दो यार, जल्दी से माइकल अंकल के घर पहुंचकर आपको मिलते हैं। हाँ यार गाइस एक दिन के लिए माइकल के घर का आपको पूरा टूर देंगे और गाइस वहाँ पर रहेंगे, देखते हैं क्या होता है, जल्दी से वीडियो को लाइक मार दो एंड लेट्स गो। अरे यार तेरा ये आइडिया मस्त है यार। अबे मेरे आइडिया सभी मस्त होते हैं, बस तू थोड़ा सा दिमाग तू भी लगाया कर। अरे चल चल, अब तो वो तेरे घर पहुंच गया होगा, तूने अपनी फैमिली को बोल दिया ना। अरे हाँ हाँ मैंने अमांडा को बोल दिया है कि हम फ्रैंकलिन को एक सरप्राइज देने वाले हैं, तू ध्यान से मतलब उसको कुछ बता मत देना। अरे चल यार बढ़िया है, जिमी तो नहीं बताएगा। अबे जिमी कुछ नहीं बताएगा भाई, वो तो अपनी वीडियो गेम्स खेलता रहता है, उसको कोई काम धंधा ही नहीं है। और अरे चल ये भी बढ़िया यार, जल्दी से चलते हैं यार, फ्रैंकलिन का घर अपग्रेड करते हैं। अरे मैंने तो सारे कंस्ट्रक्शन वालों को फ़ोन भी कर दिया और पैसे भी दे दिए हैं, जल्दी काम शुरू करवा देंगे, फिर देखना क्या उसका घर ओपी बना देंगे। अरे यार मेरे से तो वेट नहीं हो रहा उसका घर देखने का। अबे कोई नहीं, एक दो ईंटें तू भी उठा लेना बे, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर एक दिन में काम करना है। अरे बिल्कुल यार, बस इस टाइम के बीच में वो अपना घर ना देखने आ जाए। अरे हाँ यार, अगर वो अचानक से अपने घर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे पर हम ऐसा होने नहीं देंगे यार, एक दिन की तो बात है यार, मुझे नहीं लगता वो मेरे घर से बाहर आने वाला है, वैसे भी घर बहुत बड़ा है मेरा। अरे यार तू अपने मुँह मियाँ मिट्टू कम बना कर यार। अरे चल जो भी है यार, मेरी बात समझा कर दोस्त यार। अरे चल चल फिर जल्दी कर यार, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से अब फ्रैंकलिन के घर चल। अरे हाँ जल्दी से चलते हैं और काम शुरू करवा देते हैं। तो यार गाइज लेट्स गो यार, आज तो मज़ा बहुत आने वाला है यार, लाइक मार दो हमारे लिए। आपने फ्रैंकलिन के लिए इतनी बार लाइक किया होगा यार, मेरे लिए भी कर दो एक बार। अरे यार गाइज हाँ यार, हमसे भी तो प्यार है ना आपको। अरे हाँ यार गाइज चलो लेट्स गो गाइस, फ्रैंकलिन के घर चलते हैं। अरे यार चलो यार, फाइनली यार हम माइकल अंकल के घर आ गए हैं। अरे ये देखो उनकी छोटी गाड़ी खड़ी यार, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको चलाने में। अबे कोई नहीं, शाम को यहाँ पर गाइज इस गाड़ी से भी गेड़ी लगाने जाएंगे। वैसे यार गाइज यार आज भाई साहब ये घर हमारा है आज के लिए। भाई साहब बिल्कुल यार, चलो गाइज यहाँ पर अंदर जाकर देखते हैं। सबसे पहले माइकल की फैमिली तो ठीक ठाक है ना, और पता लगे गाइज अंदर सभी लोग भाई साहब गिरे पड़े हैं। नहीं गाइज वो, और ये गाइज अमांडा आराम से बैठकर यहाँ पर अपना टीवी देख रही है, टीवी तो भाई साहब बंद पड़ा है। ये है गाइज यहाँ पर काम करने वाली आंटी, और गाइज यहाँ पर इसका बेटा भाई साहब ऊपर होगा पक्का। माइकल का बेटा गाइज 24 घंटे वीडियो गेम खेलता रहता है। जिमी का तो आपको पता ही होगा, मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। पक्का अपने रूम में ही होगा यार, और कहीं हो भी नहीं सकता। ये देखो गाइज उल्टियाँ कर रहा है भाई, देखो गाइज यहाँ पर इतने बर्गर शर्गर और फास्ट फूड खाएंगे तो उल्टियाँ तो करेंगे ही। और गाइज यहाँ पर एक बेटी है माइकल की, जो कि है ट्रेसी कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो अपने यहाँ पर रूम में होगी। बिल्कुल गाइज देख सकते हो, ट्रेसी भाई साहब अपने मतलब नेल वेल के साथ कुछ कर रहा है। लड़कियों के काम है गाइज, छोड़ो यार। अभी के लिए गाइज यहाँ पर फैमिली फैमिली में सभी लोग ठीक हैं? अरे अभी के लिए सभी लोग ठीक है यार, आपके कहने का मतलब क्या है, कुछ देर में ठीक नहीं होंगे? अबे नहीं यार, मेरे को ये बात की टेंशन है कि भाई साहब माइकल ने इतने सालों से तो गाइस हमें कुछ कहा नहीं, वो वैसे भी तो घर से बाहर जाता होगा, उसने इसी बार कहा हमको, मतलब इस बार कहा कि हाँ मेरी फैमिली का ध्यान रखना, इसका मतलब गैस कुछ तो संकट होगा इसकी फैमिली पे। तो गैस कोई नहीं यार, मैं भी अपने भाई की पूरी मतलब देखभाल करूंगा, उसके घर की कुछ नहीं होने दूंगा, बे बाहर खड़ा होकर भाई साहब इनके पूरे घर का पहरा दूंगा। माइकल घर पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना उसका भाई। भाई साहब बिल्कुल भी कलू है बिल्कुल। अरे देख देख माइकल घर पे नहीं है आज। अरे भैया ये सही मौका है, इस घर से जितना पैसा उठा लो। अरे यार वो माइकल के पास तो बंदूकें इतनी है ना कि मैं कभी सोचकर भी उसके घर में ना घुसूं, पर ये जो नया आदमी आया इसके घर में इसकी देखभाल करने, इसका बॉडीगार्ड ही होगा, और तेरे को पता ही है बॉडीगार्ड कौन सा यार, बहुत तगड़े होते हैं। अरे बिल्कुल यार, इसकी तिजोरी में हाथ लगाकर जितना पैसा होगा मैं तो सारा ही निकाल लूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बस तू मेरे साथ रहना ठीक है ना। अरे बिल्कुल भैया बिल्कुल, तू जल्दी से बोल क्या करना है। अरे मेरी बात सुन, आज शाम के करीब इसके घर में हमने घुसकर पैसा उठाकर गायब होना है, और अगर बीच में ये आया तो क्या करना है, और एक गोलियों से भून डालना है। बिल्कुल, जो भी बीच में आएगा उसके गोली मारनी है। आज माइकल घर पे नहीं है, आज हमारे पास मौका है इसके घर पे चोरी करने का। अरे बड़ा हाथ मारेंगे, बड़ा हाथ, बहुत अमीर आदमी है ये लॉस सैंटोस का। अरे तभी तो मैं कहता था इसके घर में पहरा दिया करो, कभी भी ऐसा मौका मिल जाए तो छोड़ना तो नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल यार, ऐसे मौके नहीं छोड़ते, चल जल्दी से प्लानिंग करे शाम की। अरे चल चल नीचे आजा, शाम की प्लानिंग हम कर लेते हैं कि शाम को कैसे इसके घर पे चोरी करनी है, इससे पहले पहले कि माइकल वापस आ जाए हम इसके घर पे चोरी करके निकल जाएंगे। अरे बस सर आप अपनी पेमेंट करवा दो आधी, हम आपका काम शुरू कर देंगे। वैसे जैसे आपने ये हमें पूरा नक्शा दिया है वैसे ही बनाना है। अरे यार ये नक्शा देने का मतलब यही है कि वैसे ही बनाना है, समझ आई तेरे को। अरे यार माइकल, इसको समझाना कितना मुश्किल है। अरे यार ये थोड़े से ऐसे ही करते हैं काम, लेकिन हाँ लोग तो बहुत आ चुके हैं यहाँ पर, ट्रक भी बुला लिए मैंने सभी जो जो काम के लिए चाहिए थे। आज के आज इसके घर का काम शुरू हो जाएगा। अरे कितनी देर में कर दोगे, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कल दोपहर तक का टाइम है। अरे सर जी आप टेंशन मत लीजिए, हम 12 घंटे के अंदर चकाचक कर देंगे, बिल्कुल चकाचक। हाँ इसी चकाचक की मुझे उम्मीद है, जल्दी से चकाचक कर दो। अरे ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए, चलो चलो भाई लोगों काम शुरू करो भैया का। अरे यार चले यार, खुशी हो रही है फ्रैंकलिन के लिए कुछ कर रहे हैं हम। अरे चले यार, हमें रेत लेकर आनी है। अरे यार हमें भी काम करना पड़ेगा। अबे बिल्कुल यार, जो सामान हम लेकर आ सकते हैं वो हम ले आए ना, इनका तो क्या पता कितना टाइम लगाने। चल जल्दी से रेत लेकर आए। अरे चल चल हम रेत लेकर आते हैं जब तक ये काम शुरू कर रहे हैं। अरे भैया काम शुरू कर दो जल्दी से, हम रेत लेकर आ रहे हैं। चलो यार ट्रैवर जल्दी से चलते हैं यार, मेरे को लग रहा है कि ये जल्दी जल्दी कर देंगे यार, बंदे तो मैंने बढ़िया बुलाए हैं। अरे चल मैं भी उम्मीद करता हूँ जल्दी से कर दें। कल्लू यार मैं तेरे को पता है बाहर से क्या खा कर आया हुए होए, कैंडी भाई साहब कैंडी, वो भी इतनी खतरनाक मिलती है ना साथ की दुकान पे। अबे यार ये शिनचैन क्या कर रहा है यार, 2 मिनट पहले टीवी ऑन किया था, अभी भी गाइस यहाँ पर यही आ रहा है यार। मेरे घर का गाइस आपने टीवी देखा होगा यार, बिल्कुल सामने है, इसका टीवी ज्यादा ही ऊंचा है। भाई साहब यहाँ पर टीवी देखने नहीं आए बे, पहरा देने आए हैं। अबे अब क्या रात को सोएंगे भी नहीं यार? भाई साहब क्या पता बे, बिना सोए भाई साहब निकालना पड़े टाइम। अबे टेंशन मत ले यार। अबे शिनचैन तू बाहर खड़ा क्या कर रहा है? अरे यार पहरा दे रहा हूँ यार, ताकि कोई आ ना जाए। अबे यार माइकल ने जिम्मेदारी दी है बस, इसका मतलब ये थोड़ी है भाई साहब अभी के अभी यहाँ पर लोग आकर बंदूकें मारना शुरू कर देंगे यार। वो वैसे ही डर रहा होगा यार, फैमिली भाई साहब सबकी होती है तो सबको थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। बाकी गाइस अगर आपने माइकल का घर पूरा नहीं देखा तो भाई साहब वैसे इतना ही है, अंदर जगह गाइस यहाँ पर गैराज में जाने का रास्ता भी है, मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर यह रास्ता, अगर हम गाइस यहाँ से जाएंगे तो हम गैराज के अंदर पहुंच जाएंगे। एंड गाइस गैराज में खड़ी है ज़ेंटोर्नो। भाई साहब ये कितनी मस्त गाड़ी है यार, कलू इसके पास इतना पैसा कैसे है? अबे यार मैंने ट्रैवर और माइकल ने मिलकर जितना पैसा कमाया है ना उतना लॉस सैंटोस में किसी ने नहीं कमाया होगा। और गाइस यहाँ पर देखो यार अमांडा भी खड़े होकर यहाँ पर करेले का जूस पी रही है। बाकी गाइस यहाँ पर अगर बाहर का सीन भाई साहब, ये गाइस इन्होंने लॉक लगाए हुए हैं, पता नहीं क्यों ये वाला खुल रहा है। तो गाइस देख सकते हो यार कितना बढ़िया पूल है। ये रही गाइस यहाँ पर उसकी बेटी, भाई साहब 24 घंटे मेकअप करती रहती है यार, जब से गाइस मैं यहाँ पर आया हूँ मेकअप ही मेकअप चल रहा है इसका। और गाइस वो देखो यार वहाँ पर टेनिस खेलने के लिए। एंड गाइस घर बहुत बड़ा है यार इसका, इसके घर को मतलब एक दिन में तो मैं इसके घर को पूरा घूम भी नहीं सकता भाई साहब, इतना भी बड़ा नहीं है। अबे मेरे कहने का मतलब है अगर मैं आराम आराम से घूमूं तो उस हिसाब से इसका घर सच में बहुत बड़ा है, हमारे मोहल्ले के 3 घर मिलाकर इसका घर होगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हाँ यार, वैसे बातचीत तो है यार इनके घर की। चलो यार गाइस किसी टाइम हमारा भी इतना बढ़िया टाइम आएगा जब हमारे पास भी इतना ज्यादा मस्त घर होगा। चल यार शिनचैन जल्दी से आकर कुछ खा लेते हैं अब। भाई साहब मैं तो भाई साहब दुकान से खा कर आया हूँ साथ वाली। अबे चल कोई बात नहीं, अंदर अमांडा से पूछते हैं गाइस यहाँ पर दोपहर को क्या बनाया खाने के लिए। अरे यार माइकल, वैसे तूने यार ये बाहर को इतना ज्यादा शोर क्यों मचवाया हुआ है? अरे यार मैंने सबको कहा है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तभी इतना शोर मच रहा है। अरे यार कानों में दर्द होने लग गया मुझे। ये बता ये लोग सड़क पे क्यों यहाँ पर कर रहे हैं काम? अबे तेरे को क्या पता, मैंने जो नक्शा दिया है ना वो इतना मस्त है ना कि तू देखता रह जाएगा। यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी और मतलब इतना बढ़िया हो जाएगा ना, बस थोड़ी देर रुक तो यार, तेरे को अभी पता लग जाएगा। अरे यार मेरे से तो वेट नहीं हो रहा यार। अबे बस थोड़ा वेट और कर, उसके बाद तेरे को पता लगेगा मैंने कितना बढ़िया यहाँ पर सोचा है। गाइस बस यार काम चल ही रहा है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा एंड मेरे को लगता है कि जल्द से जल्द ये सारा काम कंप्लीट भी कर देंगे। अरे यार मेरे को भी पूरी पूरी उम्मीद है यार जल्दी कर देंगे। अबे हाँ यार बिल्कुल, चलो यार गाइस यहाँ पर जल्दी से इनको कंप्लीट होने देते हैं यार, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। अरे यार गाइस मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है यार, जल्द ही जो मैं चाहता हूँ वो बन जाएगा, बस कल सुबह तक तैयार करवा दूंगा इनसे। अरे टकलू अंकल जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ यार, मेरे से वेट नहीं हो रही। ड्राइवर वहाँ सब सही? अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, पाइप्स आ चुके हैं यहाँ पे। बस बस ठीक है ठीक है, पाइप्स का काम सुबह हो जाएगा, जल्दी हमें जो चाहिए वो मिलने वाला है। मैं तो फ्रैंकलिन को सरप्राइज करने को रेडी हूँ। भाई साहब कलो अब रात हो चुकी है, अबे अब तो थोड़ा सा ज्यादा हमें पहरा देना पड़ेगा। अबे टेंशन मत ले गाइस, देखो उसकी पूरी फैमिली भाई साहब वहाँ पर बैठ के टीवी देख रही है। अरे तू रेडी है ना, जब मैं बोलूंगा उसके ऊपर एम कर उसकी खोपड़ी उड़ा देना। अरे यार मैंने बोला तो था उसको मार ही देते हैं। अरे बस बस अब मार ही देंगे, मैं 3-2-1 गिनूंगा, जो भी बाहर आएगा उस पर गोली चला देना। अरे बिल्कुल बिल्कुल पूरी गोली चलेगी इसके ऊपर। गाइस यार माइकल के घर के पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स है यार, मतलब इसके घर के पास रहकर बहुत ही ज्यादा शांत सा माहौल है यार, मजा आता है। भाई साहब तेरे को पता है बे, मूली के परांठे खाने के बाद जो पाद होता है ना वो सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अरे मेरे हिसाब से आलू खाने के बाद पाद अच्छा आता है। भाई साहब तेरे को पाद की रेसिपी के बारे में क्या पता? अरे घर पे है कोई? भाई साहब फिर से कोई आ गया यार। अरे रुक यार, इस बार मैं देखता हूँ कौन है, इसकी ऐसी तैसी यार। अरे बाहर आ रहा है, गोली चला देना। अरे मैं बिल्कुल रेडी हूँ गोली चलाने के लिए, एक बार इसकी शक्ल दिखे। अरे यार कौन है? देखो गाइस यहाँ पर अब गाड़ी भी चेंज हो चुकी है, रेड वाली आ गई। ओ भाई साहब तेरी ऐसी तैसी, ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? भाई साहब ये तो गाइस सुबह वाले हैं। अरे यार ये गोली चलाने वाला था क्या? अबे तेरी तो, अबे भाई साहब तेरी ऐसी तैसी हो तेरी की। बे भाई साहब कौन चला रहा है बे गोलियां? भाई साहब तेरी ऐसी तय, भाई साहब तेरी तो भाई साहब कलुए को मारेगा बे, मेरे कलुए को भाई साहब, तेरे को खा जाऊंगा। अबे चुप, दिखा कहाँ है ये भाई साहब, गोली मारेगा मेरे इसकी ऐसी तैसी। भाई साहब रुक रुक, खा गया मैं इसको, खा गया। अरे यार तो माइकल की फैमिली को इन दोनों से खतरा था। अबे यार गाइस यार हमने माइकल को बचा लिया भाई, मतलब माइकल की फैमिली को। अगर माइकल हमें ना बुलाता ना आज यहाँ पे, तो गाइस ये दोनों तो पता नहीं घर पे अंदर घुस के किस किस को मार कर पता नहीं क्या क्या चोरी कर निकल जाते। आज तो गाइस चोप ने बचा लिया। भाई साहब बिल्कुल यार। अबे बस अब फ्रैंकलिन को तो आने दे, एक बार उसको दिखाएंगे। अरे यार माइकल अंकल को बताना यार हमने कितना बढ़िया काम किया है। अबे वो तो बता देंगे, ये हमारा घर है क्या? अरे फ्रैंकलिन कैसा है? अबे भाई साहब ये क्या कर दिया तुमने, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये ड्राइवर है क्या? अरे यार फ्रैंकलिन कैसा है यार? अबे तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे को लगा तू दोपहर को घर आ जाएगा, तू तो मेरे घर में है। अरे यार वो हम तेरे को छोटा सा गिफ्ट दे रहे थे यार। गिफ्ट? अबे भाई साहब ये हमारे घर को क्या कर दिया? भाई साहब कलुए ये क्या हो गया बे? ओ तेरी की, गाइस देख सकते हो भाई साहब हमारा घर तो भाई कुछ अलग ही बना दिया बे इन्होंने। अरे यार ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तेरे लिए। अबे भाई साहब गाइस ये क्या चीज़ है वे? ये क्या गाइस यहाँ पर छत के ऊपर एलईडी टीवी, और भाई साहब ये क्या चीज़ हो तेरी की, गाइस कितना बड़ा कर दिया बे रूम। गाइस यार हमारा घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है यार, देख सकते हो यहाँ पर। ओ तेरी की गाइस यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी है यहाँ पे, मतलब गाइस यहाँ पर गैराज। भाई साहब अब तो गाड़ियाँ खड़ी करने का मतलब बिल्कुल भी कोई झंझट ही नहीं है यार, गाइस जितनी मर्जी गाड़ियाँ खड़ी कर लो यार। यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर कुछ तगड़ा ही सीन कर दिया इन्होंने, गाइस देख सकते हो यार। भाई साहब इतना कुछ कर दिया क्या तुमने यार, मेरे को बताया भी नहीं गाइस इन्होंने कि ये इतना कुछ करने वाले हैं यार मेरे घर के साथ। ऊपर जिम बना कर रख दिया है बे, और गाइस यहाँ पर सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो सीढ़ियाँ कहाँ पर जाती हैं देख लेते हैं। अच्छा सीढ़ियाँ गाइस यहाँ पर नीचे की तरफ जाती हैं, एंड यहाँ पर एक भाई साहब बहुत ही बढ़िया यहाँ पर व्यू लेने के लिए जगह है। गाइस यहाँ पर घर इतना बड़ा हो गया यार, मेरे को मेरे को भरोसा नहीं हो रहा भाई, क्या कर रहे हो तुम सब। अरे यार वो तो हम तेरे को गिफ्ट देना चाहते थे, कैसा लगा। अबे यार गाइस इतना बड़ा हो चुका है घर यार मेरा तो। ये तो आपको सारा का सारा टूर देने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और गाइस ये गाड़ियां कैसे खड़ी कर ली तुमने यहाँ पे। अरे यार वो तो हमने कुछ लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके रख लिया, यहाँ पर तो अपनी गाड़ियां खड़ी कर लेना। अबे यार इसमें तुमने कितना खर्चा कर दिया होगा यार। अरे यार तूने जो हमारे लिए किया वो। अबे यार गाइस भाई साहब माइकल तेरे को पता है भाई साहब तेरे घर के अंदर 2 चोर आए थे बे, कल्लुए ने भगा दिए। क्या सच में? अबे छोड़ ना यार वो तो वैसे ही थे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ने उनकी मुंडी तोड़ दी यार, वो मेरी मुंडी तोड़ने वाले थे। अरे यार फ्रैंकलिन तूने फिर से मदद कर दी यार। अबे इसका मतलब तुमने झूठ बोला था मेरे को। अरे हाँ यार हम तेरे को गिफ्ट देना चाहते थे छोटा सा। अबे यार गाइज यार चलो यार इसी बहाने गाइज हमने यहाँ पर माइकल का भी हेल्प कर दिया। गाइज माइकल ने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। अरे यार मेरे को क्या पता था सच में कुछ लोग आ जाएंगे यार। कौन थे वो? अबे छोड़ ना यार जो भी थे, अब तो मैंने उनको पटक दिया। गाइज यहाँ पर आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि आपको इस सारी जगह का टूर चाहिए। एंड गाइस क्या आप सब लोग ये फ्रैंकलिन के जो एक्सटेंडेड हाउस आप सब लोग कह सकते हो, इसके अंदर आप सब लोग जो जो गाड़ियाँ चाहते हो मुझे बताओ, हम वो गाड़ियाँ इकट्ठी कर यहाँ पर खड़ी करेंगे एंड गाइस इसको पूरा जचा देंगे। एंड उसके बाद गाइस इसका फुल टूर अगर आपको चाहिए तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा मैं, इसीलिए आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहा, सीधा पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप सब लोग इसका सेकंड पार्ट चाहते हो। मिलते हैं गाइस आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय साहब, टाटा बे।